मेरा फैक अहमद नाम है जी, और रहने वाला मैं मंझनपुर कौशाम्बी का हूँ जी। और आज मतलब जो है अब मैं इलाहाबाद प्रयागराज में रहने लगा हूँ, और ये मेरा लड़का है साजिद अहमद जी। इसको जो है आप बैंक में काम कर रहे हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ जी। और ये मेरा लड़का है साजिद अहमद, इसको 2020 से स्पाइन में प्रॉब्लम है जी। और मैं इलाहाबाद में डॉक्टर केटी त्रिपाठी को भी दिखाया, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया, तो उसमें मतलब उन्होंने कहा कि उनको ये नस में थोड़ा गैपिंग है। फिर उसके बाद मैंने उसको वहां सुशील मिश्रा को दिखाया, उन्होंने MIR कराया, उन्होंने कहा इनकी नस जो है दबी हुई है रीढ़ की हड्डी से, तो इनका ट्रीटमेंट साल भर चलेगा, आराम मिल जाएगा। तो बीच में आराम मिला, उसके बाद फिर पलट गया उसी। फिर इनको हम लखनऊ लेके गए, डॉक्टर गए मजार हुसैन के पास, उन्होंने डायरेक्ट MIR देख के जो है डायरेक्ट जो है बोल दिया इन्होंने ऑपरेट करने के लिए। फिर वहां से मैं रिटर्न आ गया, और फिर उसके बाद जो है मैं इनको दिल्ली इंडिया स्पाइनिंग सेंटर में ले गया, डॉक्टर HS छाबरा को दिखाया जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने यहाँ से 80% लोग ठीक हो गए हैं, तो मैं आपको दवा दे रहा हूँ 6 महीने, 6 महीने दवा खिला के देख लीजिए। मैंने 3 महीने दवा खिलाया, उसको आराम मिला जी। तो उसके बाद आराम मिलने के बाद फिर उनको फिर पलट गया। मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, चित्रकूट आयुष ग्राम चिकित्सालय से ठीक हुआ है जी। तो वो बॉम्बे में रहती है लड़की, तो फिर हम यहाँ 15 मई को लेके यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ का ट्रीटमेंट चालू हो गया। पहली बार जब आए थे आप, तो इस टाइम में क्या क्या दिक्कत हो रही थी भैया को? उनकी जो है हम बैठ भी नहीं पाते थे इतना, और जो है मतलब लेटे रहते, न बैठ पाते न चल पाते, ज्यादा एकदम झुके रहते थे। और इस समय जो है माशाल्लाह 10% इनको आराम मिला है। और पहली बार जब आए थे तो आप तैयारी से नहीं आए थे, सर ने 2 हफ्ते के लिए रुकने के लिए भी बोला था। के लिए बोले थे तो हम तैयारी से नहीं आए थे, हमने कहा फिर अगले महीना आते हैं, तो फिर हम आके अगले महीना 26 जून को जो है इनको एडमिट किया। और सर क्या आपको सांत्वना दी थी या क्या बोले थे सर ने? डॉक्टर साहब ने बोला कि हर महीना 10-15% हर महीना मतलब फर्क पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, बिना ऑपरेशन कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 2 हफ्ते में इनको कम से कम 10% से अधिक आराम है इनको, और बैठ भी ले रहे हैं इस समय, और जो बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे थे। और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, सर के बारे में, हम लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे? कोऑपरेट बहुत किया है आप लोग, जितने सिस्टर हैं सबने कोऑपरेट किया, कोई भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फौरन पहुंचती थी, कोऑपरेट भी यहाँ हुआ है। क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में दिखाया, दिल्ली जैसे हॉस्पिटलों में दिखाया, इतने बड़े हॉस्पिटल से आप आए, तो कुछ वहाँ का और यहाँ का वातावरण या कुछ आप? वातावरण यहाँ खुला एरिया है, और शहरों में जो है तो पैक ही रहता है जी, एकदम खुला होते हैं।